अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे भाकरवाड़ी। चलिए, भाकरवाड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। हमने एक कप मैदे से बना रहे हैं। एक कप मैदा लगेगा, आधा कप बेसन, ये बिल्कुल हमने 1 टीस्पून अजवाइन लगेगी, आधा टीस्पून नमक लगेगा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून इतना कुकिंग ऑयल लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम भाकरवाड़ी का डो तैयार कर लेंगे। इसमें ऑयल इतना ही डालना है कि हमारा ये आटा और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इस तरह से मुट्ठी बांधने पर ये अच्छे से एक डो की शक्ल में बन रहा है, तो उसका मतलब हमारा ये जो तेल है इसमें परफेक्ट है। तो चलिए अब इसमें हम धीरे धीरे पानी डालकर जितना हमें लगेगा, हमने आधा कप पानी लिया है, हमें जितना लगेगा उतना ही डालेंगे। इस तरह से हम पूरियों के लिए डो बनाते हैं, बस उस टाइप का हमें डो चाहिए। ये 1 टेबल स्पून इतना पानी इसमें बच गया है, हमें इतना ही पानी लगा है। हमने आधा टेबल स्पून उतना कुकिंग ऑयल लिया है आटे के ऊपर से लगाने के लिए। अच्छे से हम इसकी मालिश करेंगे, उतनी ही क्रिस्पी हमारे भाकरवाड़ी बनेंगे। ये आटा अब हमारा गुन के तैयार है, इसे हम 10 से 15 मिनट ढककर रख देंगे। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून सादी वाली तेल ली है और फिर आधा टेबलस्पून हमने हरी वाली सौंफ ली है, 2 टेबलस्पून हमने नारियल लिया है घिसा हुआ, आप चाहे तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं कट करके, और 1 टेबलस्पून साबित वाला धनिया लिया है और 1 टीस्पून हमने सौंठ ली है और 1 टेबलस्पून हमने मूंग तली हुई रेडीमेड वाली जो आती है वो ली है, 1 टेबलस्पून जीरा लगेगा। बिल्कुल हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे इसे भूनने के लिए। इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए ये हमारे मसाले अच्छे से क्रिस्पी हो गए। अब फिल्म को हम बंद कर देंगे। अब इसी में हम सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून उतना नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची और 1 टेबलस्पून उतना हम चीनी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी मसालों को हम दरदरा पीस के ला लेंगे। इसे हमने ग्राइंड करके ला लिया है, ये ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा बारीक। डो को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो गए हैं। इसे हम एक बार और अच्छे से इसकी मालिश कर लेंगे। हमने डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 2 पेड़े बना दिया हमने। तो चलिए अब इसको हम बेल लेंगे। इसे हमें बस चपाती के उतना ही बेलना है, इस पर हमें मैदे या आटे को डस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल होता है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट कर सकते हैं। इसे हमें चपाती के उतना ही बेलना है जैसा हम चपाती के लिए बेलते हैं। हमें इसकी थिकनेस इतनी रखना है कि मसाला लगाने पर यह बीच में से कहीं से फटे नहीं। इसे हम चौकोनी शेप में कट कर लेंगे ताकि इस पर हम जब मसाला लगा के इसे कट करेंगे तो अच्छे फिनिशिंग में कट हो। हमने ये इमली और गुड़ वाली चटनी ली है जिसकी रेसिपी हम डाल चुके हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ये जो हमने इमली की चटनी ली है इसको रोटी पे चारों कॉर्नर पर लगा लेंगे। जो हमने मसाला पीस के रखा था वो अच्छी तरह से चारों कॉर्नर पर लगा लेंगे। इसके कॉर्नर पर हम थोड़ा पानी लगा लेंगे, फिर अच्छे से फोल्ड करते हुए इसे गोल रोल बनाते हुए आखिर तक लेकर जाएंगे। बस हम इसका एक रोल बना लेंगे।
इसके आखिर के कॉर्नर पे भी हम पानी लगा के इसको अच्छे से सील कर देंगे, ताकि फिर हम जब फ्राई करें तो ये तेल में बिखरे नहीं। इसे हम मीडियम साइज़ का कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिनी साइज़ भी रख सकते हैं। तो चलिए, ये हमने पूरे कट कर दिया है और इसे बस हमें अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाना है। अंगूठे की मदद से हल्के हाथ से इसे बीच में थोड़ा सा हम इस तरह से दबाते जाएंगे, ताकि हमारा ये इसका शेप जो है तो बिल्कुल भाकरवाड़ी जैसा लगे। ये हमारे बनके रेडी हो गए भाकरवाड़ी। इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट फैन में रखेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें तेल को मीडियम और लो के बीच ही गर्म करना है। तो चलिए अब इसमें हम एक एक भाकरवाड़ी डालकर इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। तो लीजिए, ये हमारी भाकरवाड़ी तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं आने वाले फेस्टिवल पर, और मुझे ज़रूर बताएं आपकी भाकरवाड़ी कैसी बनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड में शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।